हेलो हाय नमस्ते और पैराग उत्तराखंड, मैं हूँ आज अपनी मॉर्निंग टी के साथ में। देखते हैं कैसी चाय बनती है सुबह सुबह। ये है तुलसी का स्टेम, थोड़ा सा उसको टुकड़ों में किया और उसके बाद में इसमें डाल दिया, और उसके बाद ये है तुलसी के 7-8 पत्ते, ये भी डाल दिए जी। अब है जिंजर यानी कि अदरक। कई लोग मुझसे पूछते थे यार क्या करते हो मॉर्निंग में, कैसे क्या पीते हो, तो मैंने कहा चलो आज आपको भी पिला ही दूँगा चाय। मुझे बहुत अच्छी लगती है और खासकर जब दिन की शुरुआत ऐसी हो, यानी कि एक हर्बल टी के साथ में, हर्बल भी नहीं कहूँगा, अपने आप ही करता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ, तो ऐसे ही बनाते रहते हैं। ये हो गया और ये आ गया इसमें अदरक। अदरक के बाद में अब क्या करेंगे हम, ये हैं 2 कप। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट लेमन, नींबू इसमें निचोड़ लिया और नींबू निचोड़ने के बाद में इसमें, जैसे ही नींबू निचोड़ लिया और नींबू निचोड़ने के बाद अब ये दोनों ग्लास में आ गया, दोनों कप में डाल दिया हमने नींबू। नींबू जैसे ही दोनों कप में डाला, दोनों कप में नींबू डालने के बाद में अब इसको जो लेमन का बचा हुआ है, अक्सर इसको हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में डालता हूँ इसको इसमें, और थोड़ी देर इसको बॉयल होने देंगे और थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा लेते हैं। तो ये मॉर्निंग टी, तब तक इसको तैयार कर लेते कि इसमें क्या क्या होता है। अब नाउ हनी, शहद ले लो, और शहद को जो लेमन हमने डाला था कप में, इसमें जो लेमन डाला हुआ है इस लेमन के साथ में, अब इसमें हम डालेंगे पहले हनी। ये मेरी अपनी चाय है, बनाता रहता हूँ कुछ ना कुछ अलग सा करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा ही पिया जाए। और ये ऐसा नहीं है कि इसी बीच हुआ है, बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही, या लंबे टाइम से इन द सेंस कि कई लोगों को ऐसा लग गया कि यार ये कोविड की वजह से काढ़ा वाड़ा ऐसे पी रहा है, वो वाला चक्कर नहीं है। ये कई साल हो गए। और मॉर्निंग टी, खासकर मॉर्निंग टी, क्योंकि उसके बाद फिर दूध वाली शुरू हो जाती है। मॉर्निंग टी जो होती है एक ब्लैक, ये रख दिया। अब इसमें हो गया हनी एंड लेमन, ये हो गया हनी एंड लेमन, इसको मिक्स कर लो। हनी लेमन दोनों कप में तैयार है, तब तक ये उबल रहा है, और उसके बाद में थोड़ी सी चाय पत्ती, बहुत कम चाय पत्ती, इसको थोड़ी देर और उबलने देते हैं। और मुझसे अक्सर कहा जाता है यार जब भी आप बनाते हो बहुत टाइम लेते हो। भाई टाइम नहीं लूँगा, अच्छी चीज़ों को बनने में टाइम तो लगता ही है यार, है ना, टाइम भी लगता है। और जितना उबलेगा ना, जितनी चाय उबलेगी उतना ही मज़ा, उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है उसका, जितनी चाय उबलेगी उतना ज़्यादा स्वाद आएगा। ये मैं अक्सर जो मेरे ठेले वाले भाई लोग होते हैं उनसे देखता हूँ, जब मैं रेडी पे लगाते हैं चाय, तो जब बनाता हूँ देखता हूँ दुकान में, बड़ा उबालते हैं घुमा घुमा के। अब ये उबल गई है, ये उबलने लगी है, थोड़ा कम कर देते हैं, कम करके इसमें पहले थोड़ा सा डाल लेते हैं ताकि ये जो लेमन और हनी है वो अच्छे से हो जाए। ये डाला इसमें और इसको थोड़ी देर और उबलने देते हैं।
ये मिक्स कर लिया। अब जो ये लेमन और हनी है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अगर नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा क्योंकि गर्म है बहुत ज़्यादा। ये हनी और जो लेमन है वो अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा और उबलने देंगे इसे और उसके बाद में हमारे दो चाय के कप तैयार हो जाएंगे, यानी कि हमारी मॉर्निंग टी। आगे में फिर से क्या लगा था चला गया, ऐसे कैसे चले जाऊंगा यार, जब तक चाय तैयार नहीं होगी कैसे चला जाऊंगा, है ना। तो कुछ ना कुछ कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ट्राई करता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अलग हमेशा एक ही जैसा खाते पीते रहने से ना मज़ा आता है। मैं बहुत सालों से यही चल रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। लोग सोचते होंगे यार काढ़ा बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, ना अपना बहुत पहले से ही ऐसा है भाई। ये हो चुके हैं तो उसको बंद कर देते हैं और इस चाय को इसमें पोर करते हैं, देखते हैं। ये अब इसमें सब कुछ मिक्स हो गया है और तो ये बन गई हमारी मॉर्निंग टी। मॉर्निंग टी रेडी हो गई। लुक एट दिस कप्स, ये देखो कप। सुबह सुबह इसमें पीते हैं हम, इसमें इसलिए पीते हैं ज़्यादातर चाय। लोग सोचेंगे यार ये कप का क्या राज है, कप का ये राज है कि जब भी इस कप को देखता हूँ और इस कप को लेते हैं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, कहीं ड्यू तो नहीं हो गया। यानी कि आप देखोगे तो ये है ब्लड बैंक, IMA ब्लड बैंक ऑफ उत्तराखंड, ब्लड डोनेशन। और जब भी कुछ ज़रूरत होती है जैसे प्लेटलेट्स, अब तो प्लेटलेट्स भी शुरू कर दिए, तो सब कुछ है। एक मोटिवेशन है सुबह सुबह कि यार कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते करके। सो हियर आर द टू कप्स, बिग कप्स हैं, बड़े वाले कप, क्योंकि सुबह की चाय है तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए ना। तो इस तरह से सुबह की चाय हो गई तैयार, हम पीते हैं चाय। आप अपने घर में अपनी तरफ पीजिए और कुछ नया करेंगे। आप क्या करते हैं यार लिखना ज़रूर कमेंट करके, तभी तो मज़ा आएगा। और बताना कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, और हमारे बीच चाय ट्राई कर सकते हैं आप।